पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बावजूद इंदौर में अपराधों का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। दिन दहाड़े हत्याएं, चाकूबाजी और चोरियां हो रही हैं। ऐसी ही घटनाक्रम में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की उसकी 9 साल की बेटी के सामने बेरहमी से हत्या कर दी। प्रेमी सरेरा महिला को चाकुओं से गोदता रहा और किसी की हिम्मत उसे रोकने की नहीं हुई। हद तो ये हो गई कि चाकुओं के वार लगने से घायल महिला को उठाने के लिए कोई आगे तक नहीं आया। 9 साल की बेटी मां का सिर गोद में लेकर विलाप करती रही। दरअसल भवरकुआ थाना क्षेत्र के पलदा बाजार में घटना रविवार शाम करीब 7 बजे हुई है। वैजयंती उर्फ संगीता अहिरवार 9 साल की पुत्री के साथ सब्जी खरीदने गई हुई थी, तभी उसे पूर्व प्रेमी विनोद मिल गया। उसने संगीता को साथ चलने को कहा, लेकिन संगीता ने मना कर दिया। दोनों के बीच काफी देर तक बातचीत हुई, लेकिन जब संगीता नहीं मानी तो विनोद ने चाकू निकालकर ताबड़तोड़ उस पर हमले कर दिए। सीने और गले पर चाकू लगने से संगीता जमीन पर गिर गई। इस दौरान लोग सड़क से गुजरते रहे और तमाशा देखते रहे। माँ को बचाने के चक्कर में 9 साल की बच्ची जूझती रही और आरोपी को मारने भी दौड़ी। इस बीच गहरे घाव लगने से संगीता सड़क पर ही तड़प रही थी। कोई उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। थोड़ी देर बाद उसकी जान चली गई। भवरकुआ पुलिस के मुताबिक मूलतः सागर की रहने वाली संगीता फिलहाल आरटीओ के पीछे झुग्गी बस्ती में पति बबलू और बेटी के साथ रहती थी। पति के साथ मजदूरी करने के दौरान उसकी साइट सुपरवाइजर विनोद से दोस्ती हुई थी और वो पति को छोड़कर विनोद के साथ रहने लगी थी। हालांकि 15 दिन बाद वो फिर से पति के पास लौट आई थी और विनोद उसे फिर से अपने साथ रखना चाहता था। बाजार जा रही संगीता को देखकर विनोद ने उसे अपने साथ चलने को कहा और बात नहीं बनने पर उसने संगीता की हत्या कर दी। घटना के बाद विनोद भाग निकला। फिलहाल पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है। बहरहाल महिला की सरेरा बेदर्द हत्या ने समाज पर निर्लज्जता और नपुंसकता जैसे सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर लोग इतने खुदगर्ज हो गए हैं कि वो अपने सामने होते अपराध को रोकने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। ये थाना भवरकुआ क्षेत्र की घटना है। तकरीबन 7:30-8 बजे संगीता और वैजयंती पति बबलू अहिरवार ये अपनी बच्ची के साथ जो है वो आरटी रोड पालदा के पास सब्जी मार्केट तरफ आई थी। वहीं पर विनोद नाम के व्यक्ति जो उसका पूर्व से परिचित था, उसने जो है ना महिला पे चाकू से वार किए और जिस कारण से उसकी मृत्यु हो गई। अभी जो है ना वो प्रिलिमिनरी स्टेज पे है और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सामने आएगा। ये आरटी रोड आरटी ऑफिस के पीछे डुग्गी में रहती है और मूलतः जो है ना ये लोग सागर के रहने वाले हैं। आरोपी अभी फरार है, अभी पुलिस गिरफ्त में नहीं है। महिला की 3 बच्ची।